कितने रुपए किलो भैया वाला? 600 रुपया दीजिए। अरे वाला ये नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इति वेलकम माई चैनल और अभी बज रहे सुबह के 6 या 6:30 और आज है संडे। जा रही हूँ फिश मार्केट में। तो आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ, संडे के बिना कोई भी दिन में आप जाओ आपको फ़िश मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग यहाँ का नहीं हो, जो लोग वेस्ट बंगाल का हो, जो लोग बंगाली लोग हो, उनके लिए मैं एक्चुअली स्पेशली वाला वीडियो शूट कर रहा हूँ। उनके लिए नहीं, जैसा जो बहुत सारे लोग ऐसा भी है जिनको पता नहीं फ़िश मार्केट कहाँ पर, उनके लिए भी सही। तो क्या ना, मुझे पता नहीं था तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था पहले, अभी तो नहीं होता, अभी तो पता चल गया। तो एक्चुअली यहाँ पे ना छोटा सा, मतलब छोटा सा मार्केट बैठता है संडे में, ओनली संडे में बैठता है वो बंगाली वाला सब्जी, और फिश भी मिलेगा, रिवर वाला फिश, ऑर्गेनिक वाला फिश, रिवर का भी होता है कभी कभी, वो जो आम पुकुर बोलते हैं पुकुर का फिश भी होता है। और मैं आप लोगों को जाके देखा तो सामने आ गया यार, अभी सुबह के 6:30 या 6 बज रहा है। बट आप लोगों को जब भी फिश चाहिए तो आप आके ले सकते हो, पूरा दिन में सुबह सुबह आने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे सुबह सुबह आ गई 6:30 बजे, इतना सुबह आने की जरूरत नहीं है अगर आपको बंगाली वाला फिश और वेजिटेबल नहीं चाहिए तो। अगर बंगाली वाला चाहिए तो आप सुबह आ जाना, मतलब 8-9 बजे तक आ जाना, नहीं तो बाद में मिलेंगे लेकिन फ्रेश नहीं मिलेंगे। देखो अभी मैंने इतना सुबह आया, फिर भी मुझे बहुत सारे लोग बोला था और भी सुबह आना चाहिए, तो और कितना सुबह आओ, मैं रात को आ जाओ क्या? और ये जो घर जैसे दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर आपको पूरा दिन मिल जाएंगे, समुद्र वाला तालाब का फिश भी मिल जाएंगे और इसके अंदर सस्ता भी होता है फिश, लेकिन मुझे तालाब का समुद्र का फिश दोनों नहीं चाहिए। देखो ये कितने रुपए किलो भैया वाला? 600 रुपया दीजिए। अरे वाला ये वो भी 600, इसका प्राइस इतना कम की हुई थी, इतना बड़ा बड़ा देखो जरा पिया 200 रुपये। वो दीदी उसका टांग टूट जाएगा तो लेना पड़ेगा। हाँ ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेने के लिए तो आया इतना दूर से। बड़ा वाला कुछ वाला नहीं है, मोटा 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 वाला नहीं है। हाँ सुबह सुबह आया, और कितना जल्दी आओ, जहाँ पे बंगाली वाला फिश मिलते है ना सामने, ये वाला बंगाली सब्जी का लेन है। अरे यहाँ पे 4-5 अंकल लोग बैठते हैं, हर टाइम वही लोग बैठते हैं। और यहाँ पे लाल शाक, पुई शाक, लाऊ शाक, फिर कोमली शाक, डाटा शाक, सब शाक मिल जाएंगे। वैसा नहीं आपको जो भी बंगाली में सब्जी मिलता है सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो थोड़ा बहुत चाहिए ये सब मिलता है, आपको एक्सपेक्टेशन जैसा रहता है ऐसा मिलेंगे, ऐसा सोचना भी मत किया ना। जितना मिल रहा है इतना ही, पहले मुझे नहीं मिल रहा था तो मुझे बहुत अफसोस होता था, तो अभी तो चलो इतना से काम चलाती हूँ। और प्राइस भी रिजनेबल है, इतना ज़्यादा मतलब महंगा नहीं है। इतना दूर से लेके आता है ये लोग, और संडे में आते बैठते हैं तो सुबह सुबह भी आते हैं, और वो लोग क्या ना मेहनत करके आते तो थोड़ा प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है। मुझे तो आइडिया नहीं होता प्राइस के बारे में, जितना बोलते मैं ले लेता हूँ, इसमें बार्गेनिंग करने का कोई और टाइम भी नहीं होता, क्योंकि आप बार्गेनिंग करने जाओगे कोई सामान का तब तक सेल हो जाएगी। सच बार्गेनिंग ना करो, ले लो। क्या ना, मैं कुछ शक देख रहा था, देखते देखते दूसरा कुछ देखा तो कुछ शक सेल हो गए थे। तो यहाँ पे बाहर एक इलिश फिश देखा, देखो इतना नरम नरम था, तो 600 रुपये किलो बोल रहा था। मैं बोला नहीं, इतना बड़ा फिश जो है ना 600 रुपये किलो हो नहीं सकता, थोड़ा सस्ता बोल रहा था क्योंकि ख़राब था इसीलिए शायद, क्योंकि नरम जो होता है ना घर पर लेकर खा नहीं पाऊँगी, मुझे सस्ता से मतलब नहीं, अच्छा होना चाहिए। घर पर बहुत बार फिश लेके जाता फिर फेंक देता, खाता नहीं हूँ। और पता नहीं यहाँ पर बहुत सारा गंदा गंदा फिश था, कौन खाता है 25 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, बहुत सारा लोग लेके जा रहा था। मुझे पता नहीं खाने के लिए लेके जाता है क्या करता है, तो उनके मतलब जो भी यार। मैं दूसरी बात बोलना चाहता हूँ, आप लोगों का अगर रिवर का या बंगाली फिश या वेजिटेबल्स नहीं चाहिए तो आप लोग संडे को मत आना, क्योंकि संडे है ना मतलब थोड़ा सा रैशेस होता है, मतलब बहुत क्राउड होता है, प्राइस भी कम नहीं करते लोग। बाहर से कहीं से भी फिश लोगी ना तो आपको वो लोग काट के नहीं देने वाला है, आपको एक्स्ट्रा पैसा से काट के लेके जाना पड़ेगा। और ऐसा आंटी लोग मिल जाएगा जो आपको फिश काट के देगा, पर किलो का 20 रुपीज़ लेता है, और छोटा फिश होगा 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ लेंगे, छोटा फिश काटने में टाइम लगता है इसीलिए। और अभी जो घर जैसा है ना मार्केट, फिश मार्केट इसके अंदर जा रही हूँ, और इसके अंदर पूरा दिन ही फिश मिलेंगे, और इसके अंदर से फिश लोगी ना तो जहाँ से लोगी वो लोग ही काट के देगा, और एक्स्ट्रा कोई पे भी नहीं करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा।
और यहाँ पे इलिश जो है ना 900 रुपये किलो बोल रहा था, बाहर का 600 रुपये किलो बोल रहा था, अच्छा नहीं था इसीलिए सस्ता बोल रहा था। और इलिश का प्राइस ज़्यादा इसीलिए होता है, साइज़ में ज़्यादा बड़ा होगा तो प्राइस ज़्यादा होता है, साइज़ में छोटा होगा तो प्राइस भी कम ही होंगे। और छोटा जो इलिश होता है इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो संडे में ये वाला आंटी का दुकान में कभी भी मुझे लाइन नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत भीड़ होता है, सबके सब इलिश पकड़ के बैठे थे, और इसका मतलब सब बंगाली लोगों के, क्योंकि बंगाली लोग ये ना इलिश लाइक करते हैं। और काटा भी बहुत होता है, पतला पतला काटा होता है, बहुत लोग नहीं खा पाएंगे, जो लोग फिश खाने का आदत नहीं वो काटा नहीं पसंद करेंगे। तो हमारा बांग्लादेश का नेशनल फिश है इलिश, फिर भी इतना सस्ता नहीं है बांग्लादेश में, जितना यहाँ पे मिल रहा है बांग्लादेश में सेम प्राइस है। तो इसका मतलब यहाँ पे सस्ता में मिलता है, इतना दूर से आने के बाद भी इतना सस्ता में दे रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे 900 रुपये 800 रुपये किलो ही बोल रहा था, तो मैं बोला चलो बाहर चले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिश लेंगे फिर वो काटने के लिए 1 घंटा सीरियल में देना पड़ेगा। चलो हमारे घर पर तो काटने के है, बट फिश वो आंटी देने वाला ही नहीं है, अभी मेरे साथ बात ही नहीं कर रहा था, दूसरी जगह में बिजी था। तो मैं बोला चलो मैं बाहर चले जाता हूँ, और बाहर में एक दुकान में जा रही हूँ, वही वाला दुकान में थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन अच्छा अच्छा फिश मिल जाएगा। ए एन आर जो शॉप दिखाई दे रही है इसके अंदर जा रही हूँ, और इसके अंदर में बहुत भीड़ होता है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं देता, प्राइस बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं कर सकते, जैसा प्राइस बोलता है ऐसे ही लेना पड़ेगा, नहीं लेना है तो मान लो। ये कितना है? 2 मिनट बोलो भाई, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, भाई 3 लाख बता दो भाई, ये 450 रुपये की भाई, कितना रखोगे? 1000 रुपये का किलो मिल, माफ करो कितना होता है? ये भी बीस। अरे कौन सा बीस है ये? तो मेरे को शांति से लग रहा है। तो अभी बज रहे सुबह के 8, और सुबह जस्ट ब्रश करके मैं बाजार में गई थी, 6 बजे 6:30 बजे गई थी। तो सब्जी वब्जी सब सेल हो जाता है, मतलब बहुत सुबह सुबह जाना पड़ता है अगर आपको बंगाली वाला सब्जी चाहिए तो, नहीं तो आप पूरा दिन कभी भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं क्या क्या लेके आई दिखाता हूँ। और संडे के दिन आपको रिवर का फिश मिलेगा ऑर्गेनिक वाला, और बाकी दिन में आपको मिल जाएगा, मतलब जो घर जैसे देखा है ना इसके अंदर फिश सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो समुद्र के फिश होता है। और आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारा फिश पीस में पड़ा है, बस मुझे इलिश लेना था, तो इलिश के साथ मैंने बहुत सारा चीज़ें भी लेके आई। और अभी मैं डिटॉक्स वाटर पी लेता हूँ, बाद में देखाता हूँ, ठीक है? तो अभी जीरा पानी पी लेता हूँ, बाद में देखाता हूँ क्या क्या लेके आई। ये वेट लॉस वाला वाटर है। तो यहाँ पे मैंने इलिश ले लिया, जो जिसके लिए मैंने गई थी, और बहुत बड़ा सा 1 किलो से 50 ग्राम या 100 ग्राम कम है बस। तो 950 रुपये लिया ये वाला इलिश, मतलब 1000 रुपये किलो था, ठीक है? ऐसा थोड़ा छोटा में भी था 900 रुपये किलो, बट मैं इतना बड़ा है ना इसलिए मैंने इसको लिया, बहुत बड़ा है, मेरा 2-3 दिन चल जाएगा आराम से। तो 950 में आया है, और बाहर में एक देखा था वो 600 रुपये किलो बोल रहा था, लेकिन नरम था इसलिए नहीं लिया मैंने। और ये जो प्रॉन है ना ये लिया मैंने 500 रुपये किलो, इसको बाहर में 500-600 रुपये किलो बोल रहा था, यहाँ पे 500 रुपये किलो बोल रहा था, मैंने 1 किलो ले लिया इसको। और ये है समुंदर का सलोट का बॉम्बे फिश, तो इसका प्राइस भी शायद 180 रुपये किलो, समुंदर का फिश होता है, ठीक है? और इसका मैंने पकौड़ा बनाऊंगी, मतलब फ्राई करके सब्जी में, मतलब फिश करी भी बना सकते, लेकिन इसका ड्राई फिश मेरे घर पे बहुत सारा पड़ा है, मैं बांग्लादेश से लेके आई, और यहाँ पे भी मिलता है इसका ड्राई फिश मिलता है, लेकिन बाकी ड्राई फिश नहीं मिलता, मैंने बांग्लादेश से बहुत सारा ड्राई फिश लेके आई, लेकिन ये जो इसका ड्राई फिश है ना, ये ड्राई फिश बहुत अच्छा लगता है, फिश से ज़्यादा ड्राई फिश ज़्यादा अच्छा लगता है। मैक्सिमम लोग फिश नहीं खाते लेकिन ड्राई फिश खाते, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, ये ऐसा नहीं जो ख़राब हो गया सॉफ्ट, ये एक्चुअली सॉफ्ट ही होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है ये वाला फिश। ये मैंने तीनों लिया क्योंकि फ्रिज में और भी फिश पड़ा है बहुत सारा, मैं सब्जी कुछ लिया, और मैंने आते आते अंडा भी लेके आई, और ये कोमली साग लेके आई, मुझे बहुत पसंद आता है ये वाला, ये लेके आई 20 रुपीज़ में आया इतना, 20 रुपये में, इसका नाम है कोमली साग। और ये आप अरबी ले लिया, ये जो होता है ना अरबी, कोचू साग, मतलब कोचू का मुखी बोलते हैं उसको बांग्ला में, ठीक है? यार भी ले लिया, अभी 50-60 रुपये किलो था, मैंने भाव नहीं किया, और उधर भाव क्या करेंगे, इतना भीड़ होता है ना, आप भाव करते करते सामान सेल हो जाता है, जैसा होता है ऐसे ले लेना चाहिए। और मैंने काकड़ी ले लिया 1 किलो, और कचकोला ले लिया,
क्योंकि यहाँ पे जो गुजरात में कच्चा कोला मिलते हैं ना, नॉर्मल जो केला होता है ना, इसका कच्चा कोला मिलता है, लेकिन ये वाला कच्चा कोला नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने ये दूध लेके आई भरता बनाने के लिए। और पम्पकिन भी लेके आई, देखो ये वाला पम्पकिन बहुत बहुत ही रेड कलर था। हमारे घर पर सामान बस मैं ही खाता हूँ और कोई खाती नहीं, इसलिए मैं कम कम ही लेके आया। और ये भी 500 ग्राम लिया मैंने 25 रुपये में। अंडा जो है ना, अंडा पर पीस 5 रुपीस है। अरे ये फार्म का अंडा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुर्गी का आता है ना, ऑर्गेनिक वाला आता है, ऑर्गेनिक वाला मुर्गी इसका नहीं है, फार्म का मुर्गी का है, इसीलिए सस्ता में है। देखो ना, यूज़ नहीं करती ना इसको, कैसा लाल लाल हो गया। पूरा छील के देने के लिए बोल रहा था, मैंने मना कर दिया, टाइम लगता है ना इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने 4 पीस रख दिए और बाकी 8 पीस मैंने फ्रिज में रख दिया और 2 दिन चल जाएंगे। क्या ना, अकेला खाता हूँ तो ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। और यहाँ पे मैंने अरबी काट के रख दिया, जो अरबी लेके आए थे वो, और इसको उबाल के रख दिया, छील के उबाल दिया। इसके साथ इसको बनाऊंगी आज फिश के साथ अरबी। तो सब जगह मैं 900 रुपये किलो बोल रहा था फिश, और जहाँ पे मैंने लिया एनआर ये वाला शॉप से 1000 रुपये किलो में इलिश लिया मैंने, क्योंकि ये वाला दुकान में थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, मैंने पहले ही बोला इन लोग कम भी नहीं करता प्राइस। और ये जो दुकान है ना, इसमें ना बहुत सारा वेराइटी फिश मिल जाता है, इसीलिए थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। और समुद्र का फिश बहुत वेराइटी मिलता है, फ्रेश फ्रेश मिलता है। और यहाँ पे ना छोटा छोटा देखा है ना बेबी शार्क, और मुझे पता नहीं जो शार्क भी कोई खाता है, मैं तो इतना पता था शार्क इंसान को खा जाता है, अभी देख रहा हूँ जो इंसान भी शार्क को खाते, तो इसका प्राइस पूछा नहीं यार, मुझे पता भी नहीं जो कोई कैसे खाता है कैसे क्या है, कि समुद्र के फिश में इतना लाइक नहीं करती, बिकॉज पहली बात है मैं रिवर का फिश ज़्यादातर इसीलिए लेके आती हूँ, और इसके साथ बहुत सारा सब्जी डाल के बना सकते हैं। और भैया ने मुझे बोल रहा था काट के दो, मैं बोला काटने की जरूरत नहीं है, कि फिश लेते लेते आधा घंटा लग गया, लंबा भी रोता है, और ऊपर काटने जाओ तो कितना टाइम लग जाएगा। मेरे घर पर मैं काट लिया आके, और बहुत ज़्यादा फ्रेश था फिश एकदम। और क्या ना, पहले मैं काट के लेके आती थी जब काटने वाला नहीं था, तो इस बार तो मैं बांग्लादेश गई थी याद करके दाव लेके आई, मैं बोला फिश काटने में बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि बाहर से काट के लेके आओ साइज़
बहुत बड़ा बड़ा देता है, फिर घर पे आके छोटा करना पड़ता है। फिर बहुत सारा फिश ऐसा होता है जो बाहर काट के नहीं देते, घर पे आके काटना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं रिवर का फिश लेके आ पाता हूँ। अभी जो भी फिश मन पसंद लेके आ जाता हूँ घर पे काट लेता हूँ आके। और लास्ट टाइम मैंने बहुत छोटे छोटे फिश लेके आई थी, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग गए थे काटते करते, वो मैंने वीडियो शूट नहीं किया। क्योंकि वीडियो शूट करने जाओ तो आप लोग भी कंटल जाते, क्योंकि इतना सारा फिश लेके आई थी ना, वो अभी फ्रिज में पड़ा है। तो यहाँ पे रेडी हो गए मेरी खाना। और यहाँ पे बना लिया मैंने दाल, करौला वाला दाल। ये दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वाला। एक्चुअली करवा करवा नहीं लगती है और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे है सोया नगेट का कारी, ये है सोया नगेट। दोनों में लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे है भात, और ये फिश करी जो अभी बनाया मैंने। चलो फिर खाना खा लेता हूँ, और मैं और मेरे हस्बैंड खा लूंगी। और मैंने ज़्यादा सब्जी नहीं बनाई, तीन ही बनाई, क्योंकि बाकी सब रख दिए फ्रिज में। और दो वेज बना, इसीलिए मेरे हस्बैंड नॉन वेज नहीं खाता है। और आप लोगों को थोड़ा दूर जाएंगे ना फिश मार्केट के, इधर चिकन भी मिल जाएगा, ड्राई फिश भी मिल जाएंगे। और अभी फिलहाल मैं खाना खा लेता हूँ। जब भी मैं नॉनवेज बनाता हूँ मुझे बहुत भूख लगता है। और अभी सुबह सुबह खाना खा रहा हूँ, ओनली 11 बज रहा है सुबह का। इतना सुबह मैं नहीं खाती, फिर भी मैं खा लेता हूँ। बाय, टाटा।